दोस्त जो सोचते हैं कि हमारे पास में जगह है, हम एक रॉयल सी ब्रीड रखना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे पीछे पड़े हैं, बच्चों को खुश करने के लिए ब्रीड लेके देनी है, ग्रेट डेन भी उनको लेके दे सकते हो। ऑसम ब्रीड, एक्सीलेंट टेम्परमेंट, बच्चों के साथ बहुत अच्छे, शान अपने आप में। पर ड्रीम डॉग ते लोग रोक के बोलते भैया क्या हम इसके साथ एक फोटो खिंचवा लें, क्या एक सेल्फी ले लें, तो डेफिनेटली आप सही वीडियो देख रहे हैं। ग्रेट डेन। हेलो एवरीवन, I am your friend, your host Parul Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs Your Friends Forever. Dear friends, इस dog की beauty देखिए, she is a female dog. इसकी beauty देखिए, इसका size देखिए. Proudly present कर रहा हूँ Great Dane, एक शानदार सा brindle color का Great Dane female dog है. Height जो है वो 33 inches plus है, जो beauty है आपके सामने है, जो ऑनर है उन्होंने इसे बिटिया की तरह रखा हुआ, अपने बच्चों की तरह रखा हुआ, उनके साथ में बेड में सोती है। आप सोच रहे होंगे अगर ये बेड में सोती है तो वो कहाँ सोते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए एक स्पेशल बहुत बड़ा सा बेड बना रखा है जहाँ पे ऑनर के साथ में ये बहुत लाड से बैठती है और इन्जॉय करती है लाइफ को। पहले भी मैं ग्रेट डेन के साथ वीडियो बना चुका हूँ, ईयर क्रॉप हो रखे हैं इसके, ईयर क्रॉप किए हुए हैं बिकॉज ये शो डॉग है, और डॉग शोज में जाना, गाड़ी में घूमना, लाइफ को एंजॉय करना, इसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। 3.5 साल इसकी एज हो गई है और एक बार इससे हमने बेबीज लिए हैं। ऑफ कोर्स ये मेरे बहुत डियर वन है जिनका ये डॉग है, और मुझे एक चांस मिला आज इस बच्चे के साथ में वीडियो बनाने का, तो मुझे लगा एक बारी फिर से ग्रेट डेन को कवर किया जाए, बताया जाए इसके बारे में, डिटेल में बात की जाए। ये एक रॉयल ब्रीड है, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, हर किसी के बस की बात नहीं है ग्रेट डेन को खरीदना, कोई भी खरीदेगा एक बात है, लेकिन इसको जो रखना, इसको जो मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हैवी डाइट है इनकी, जो लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 7-8 ईयर्स के करीब इनका लाइफ स्पैन रहता है। अच्छा मेरे ऊपर बैठना है, आपने लड़की मेरे ऊपर बैठना है। शी इज़ हैविंग ब्यूटिफुल लॉन्ग फेस, ब्लैक मास्क है। देखिए अगर आप डॉग की अगर आप फ्रंट लेग्स देखेंगे तो बहुत लंबी खूबसूरत टांगे हैं, पॉज बहुत अच्छे हैं, चेस्ट बहुत डीप और बहुत ही बढ़िया है, टिपिकल अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। अगर इसके, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, इसके बहुत अच्छी मस्कुलर है चेस्ट भी आप देखेंगे तो। इसने बेबीज़ दिए थे अराउंड 4 मंथ्स बैक, इसने बेबीज़ दिए थे, अब ये दोबारा बिल्कुल प्रॉपर उस कंडीशन में है जैसी कंडीशन में ग्रेट डेन डॉग को होना चाहिए। कोट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, ज़रा ज़रा से बाल होते हैं डॉबरमैन या बॉक्सर डॉग जैसे, तो बाल को मेंटेन करने का बहुत बड़ा इशू नहीं रहता। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत रनिंग, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट और एक शानदार सा डॉग आपके घर में। ये जो अगर मैं ग्रेट डेन की बात करूँ, ये थोड़ा बहुत घर वालों को अलर्ट करते हैं बाहर वाले अगर आएंगे कोई, तो बेसिकली ये आप फैमिली डॉग के, ये कि फैमिली डॉग के तौर पे अगर आपने रखना हो तो ये बहुत ही शानदार होते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ में बहुत अच्छे मींस उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, चिल करना बहुत पसंद करते हैं। अगर साइज़ के हिसाब से मैं बात करूँ, आप इसकी ब्यूटी देखिए, अगर मैं साइज़ के हिसाब से बात करता हूँ तो साइज़ इसका इतना बड़ा है कि अगर आप इसे वॉक के लिए लेके जाएँ तो पहली बारी में लोगों को श्योर नहीं होता, जिसने ग्रेट डेन नहीं देखा होगा, कि ये डॉग ही है या कुछ और है। बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे शायद आपने कुछ डिफरेंट सी ब्रीड का घोड़ा रखा है, और इसमें अगर फोन कलर में आप देखोगे तो एक बार मैं अपने ग्रेट डेन को घुमा रहा था तो किसी ने बोला भैया ये ऊँट का बच्चा रखा हुआ आपने, मीन्स कैमल का बेबी है, इतना ज़्यादा बड़ा इनका साइज़ हो जाता है। मैंने उसे बोला भाई कैमल किसी और टाइप का होता है, ये डॉग है, डॉग की ब्रीड है, तो ये भी बताने वाली बात है। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बेल्ट और शानदार सा इनका फिजीक ऑनर को, ऑनर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स अगर आपने ग्रेट डेन रखा हो तो दैट श्योरली मीन्स यू आर समवन स्पेशल, क्योंकि इतने बड़े डॉग रखना, उसको मेंटेन करना, उसको शौक से रखना, उसको इसको पालने का बहुत अच्छा हैवी खर्चा रहेगा, बिकॉज साइज़ बहुत बड़ा है तो डाइट भी बहुत बड़ी रहेगी। अगर आप जर्मन शेफर्ड के कंपैरेटिवली देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल रहेगा, ऑलमोस्ट डबल। फ्रेंड्स 3-4 कलर आते हैं ग्रेट डेन में, शायद 5 भी होंगे, एक ये ब्राउन, ये फॉन ब्रिंडल है, एक ब्लैक ब्रिंडल आएगा, उसके अलावा प्योर ब्लैक आता है या चेस्ट में वाइट आ जाता है, एक हर्ली क्विन कलर आता है, इस तरह से बहुत सारे शानदार ब्यूटीफुल से कलर आते हैं। पहले इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होती थी ग्रेट डेन्स की, अब इसके जो ब्रीडर्स हैं इंडिया में वो बहुत कम हो गए हैं,
क्योंकि ग्रेट डेन डॉग, अगेन फिर वही बात है, ग्रेट डेन के बारे में सारी डिटेल पता हो तब ग्रेट डेन को रखने का मजा है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के ग्रेट डेन्स हैं ये बहुत ही लविंग और पैशनेट होते हैं, फैमिली में इंजॉय करना चिल करना बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो अगेन वर्किंग ग्रुप के डॉग्स थे, वो ज़्यादातर काट के आगे बांधना और हैवी मसल्स वगैरह, या फिर वो थोड़ा बहुत टेम्परमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन वाले जो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाले होते थे, दे आर वेरी कूल चिल काम टाइप के हैं, क्योंकि अगर ये अग्रेसिव होती तो ये मुझे बहुत बुरी तरह से अभी तक फाड़ चुकी होती, लेकिन बहुत प्यारी है, मेरे साथ बहुत देर से खेल रही है, मस्ती कर रही है, शरारतें कर रही है, तभी मुझे लगा कि इस बच्चे के साथ में एक अगर हम सुंदर सा वीडियो बना दें तो मज़ा आ जाएगा। ये वो दोस्त जो सोचते हैं कि हमारे पास में जगह है, हम एक रॉयल सी ब्रीड रखना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अगर बच्चे पीछे पड़े हैं, बच्चों को खुश करने के लिए ब्रीड लेके देनी है तो कोई छोटी ब्रीड में जाएं, कोई छोटी ब्रीड लेके दें, लेकिन आप ग्रेट डेन भी उनको लेके दे सकते हो। ऑसम ब्रीड, एक्सीलेंट टेम्परमेंट, बच्चों के साथ बहुत अच्छे और एक शान अपने आप में है। सो डियर फ्रेंड्स, ये 3.5 साल का बच्चा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक सुंदर सा शानदार सा ग्रेट डेन हो तो डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ग्रेट डेन रखने के लिए उतनी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि एक छोटे फ्लैट में ग्रेट डेन रख लेंगे या टाइट एरिया में ग्रेट डेन रख लेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इनको बहुत खुली स्पेस चाहिए बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए और ऑफकोर्स इन्जॉय करने के लिए, सो दैट इनको ये ना लगे कि देखिए प्यार तो ये छोटी जगह में भी आपको बहुत करेंगे, आप भी बहुत प्यार से रहेंगे इसके, लेकिन वो जो कम्फर्ट लेवल है ना डॉग का वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कंजेस्टेड जगह उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, छोटी जगह उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आई होप ये जो वीडियो बनाया इस सुंदर से बच्चे के साथ में, ग्रेट डेन के साथ में, ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिस ना करें। साइन दया करेंगे मुझ पर, आप पे, सारी दुनिया के फर बेबीज पे, इस सुंदर सी बच्ची पे, इसके ऑनर पे, आप सब पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।